और जदों फैकल्टी मेंबर्स अपनी गल दसन समीक्षा दे विच आज दे रिव्यू सेशन दे विच एजुकेशन सेक्टर विच विद्यार्थियों की अस्पष्टता और विद्यार्थियों नूं ध्यान च ना आना ये तो फिर भी गल जिहड़ी है वो टॉलरेट करन लायक है, लेकिन सब तो ज़्यादा मुश्किल गल की है कि समाज के अंदर जो अध्यापकों की भूमिका है जिन्होंने दिशा देने का काम करना है उन्होंने मन के अंदर ही स्पष्टता नहीं है। और सब तो ज़्यादा कठिन गल है वो गई है अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस विच अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे विच समझाया जाता है कि टीचर वो बंदा है जिन्हों होर किधर नौकरी नहीं मिलती, जिन्हों होर किसी कंपनी नौकरी नहीं मिली, प्लेसमेंट नहीं मिली, तो फैकल्टी मैंबर बनना है। ये सब तो ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण गल है कि ऐसा भाव समाज के अंदर व्याप सृष्टि के नाल अपने इस दो साल तीन साल जदों सानू पढ़ाने का मौका मिलिया तो टीचर्स नू अपने अंदर किस तरीके का परिवर्तन महसूस हो रहा एज ए टीचर और उदा असर वो अपने आप के अंदर अपने परिवार के अंदर अपनी क्लास विच अपने आस पास के अध्यापकों विच अगर कुछ विशेष अनुभव कर रहे हो उसनू शेयर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि असी सारे एक टीचर की भूमिका विच इत्थे है। पहला उद्देश्य है कि पंजाब के जिहड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं विषय उन्हां सारयां दी अठ दिन दी वर्कशॉप होए कि पंजाब के अंदर हले तक जिन्नियां इतने वर्कशॉप्स लगियां ने उन्हां विच जिहड़े रिसोर्स परसनस ने वो सब हले भी बाहरों आ रहे हैं। ऐसी स्थिति दे विच जिन्हां दे अपने मन च ऐसी इच्छा आती है कि मैं हौली हौली अपने आप नूं इस स्तर तक वधावा कि मैं खुद भी बाकियों के नाल वर्कशॉप लै सकन दा कॉन्फिडेंस लै सकन दी स्थिति मेरे विच आए। एक तो है कि भाई मैं क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग दे स्टूडेंट हाँ तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग दे टीचर बन, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग दे टीचर दे नाल नाल मैं इस विषय दा टीचर भी बन सकां इस दी मन दे अंदर पहला तो इच्छा आती है और दूसरा मैं उस दिशा दे विच अपने प्रयास शुरू किए। इस संदर्भ में कोई अपने मन का कोई एक्सपीरियंस शेयर करन दी गल उहदा प्रभाव उन्ना नहीं पैंदा जिन्ना कि अठ दिन की वर्कशॉप का। तो यह विश्लेषण किया है कि भी की कारण रहता है विद्यार्थियों ने खुद ही दसा उन्होंने कहा जी कि जिहड़ा व्यक्ति अठ दिन की वर्कशॉप करवाता है जिहड़ा रिसोर्स परसन होता है वो सिर्फ इनफॉर्मेशन ही नहीं देता, वो सिर्फ कंटेंट ही एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ साड़िया क्वेरीज में ही सैटिस्फाई नहीं करता, बल्कि वो दिखाई देता है वो अठ दिन में कि वो खुद भी वो वैल्यूज के मुताबिक अपना जीवन जी रहा है। उसका सब तो ज़्यादा इंपैक्ट हम और जे असी चाहते हैं कि साढ़े स्टूडेंट्स तक वो वैल्यूज पहुँचन वो वास्ते है कि भाई साढ़े टीचर्स उन्होंने वैल्यूज के मुताबिक अपने जीवन में जी सकन। जी पुरानी कहानी है कि जदों तक बाबा जी गुड़ नहीं खाना छड़ते उदों तक वो चेलियां नूं नहीं कह सकते कि गुड़ खाना छड्डो। उहदे वास्ते टीचर्स इस काम नूं अच्छे तरीके नाल कर सकन उहदे लई ऑर्गनाइजेशन दा कॉलेज दा एनवायरमेंट भी उस तरीके नाल डिवेलप करना जरूरी है। वो जिम्मेदारी जिहड़ी है वो हैड ऑफ डिपार्टमेंट दी, प्रिंसीपल दी, डायरेक्टर दी, मैनेजमेंट दे चेयरपर्सनस दी, उन्हां सब दी जिम्मेदारी बनती है। उस दृष्टि के नाल आपां अपने कॉलेज में कोई इनिशिएटिव लाए होन, कोई अपने कॉलेज के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए होन, कोई तो एक्सपीरियंसिस आए होन, वो भी जो तुसी इस मीटिंग शेयर करोगे तो अच्छे रहेंगे। इस मीटिंग बाकी लोगों इस करके थोड़ा अलग करता है कि छोटे ग्रुप के अच्छी चर्चा हो सकेगी और चर्चा अच्छे तरीके अगे बधेगी, ये मैं विश्वास है। बच्चों में किसी भी तरह के चेंज आने से पहले
जो जरूरी चीज़ है वो ये कि टीचर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीचर को कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये आया कि भाई जिन्होंने तो एक सेमेस्टर का कोर्स किया है उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ, जिन्होंने 8 दिन की वर्कशॉप की है उनको ज़्यादा फायदा हुआ है, उन स्टूडेंट्स को। उसका रीज़न खोजने की कोशिश की तो ये कहा गया कि भाई जो एक सेमेस्टर का टीचर जो कोर्स पढ़ाता है उस टीचर ने अभी खुद उस कोर्स को अपनी लाइफ के साथ उस ढंग से एसिमिलेट नहीं किया होता, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। और जिन्होंने 8 दिन की वर्कशॉप की तो उन पर इसका इम्पैक्ट इसलिए भी ज़्यादा पड़ा कि जो रिसोर्स पर्सन्स इस काम को करते रहे हैं उनकी लाइफ में इस कोर्स का जो कंटेंट है वो अच्छे तरीके से एसिमिलेट हुआ है, उनका लाइफ उस तरीके से वो जी भी रहे हैं। इन्वॉल्व है खासतौर से कॉलेज लेवल पे वो आप इन्हों ज्यों उन्हों का ज्यों ढंग इस तरह का होना चाहिए, जिस तरह ये बड़ा इनकरेजिंग इफेक्ट है कि अपने पीटी के सोशल कॉलेज 2-3 कॉलेज के जो मैं पहला ना रहे उन्होंने कॉलेज के जो बंदे ना उस तरह का ज्यों की कोशिश कर रहे उस लैवल से आ रहे। साड़ी जी पीटी जी की टीम है ये भी चंगे मुंडे काम कर रहे हैं, मैं तो यह भी कहूँगा जो पीटी हाई लैवल की टीम है उन्होंने भी इस तरह ज्यों की क्योंकि ये ना लगे कि एक सब्जैक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये लगे कि साड़ी जिंदगी का जरूरी पार्ट सानू रिलाइज करवाया जा रहा है और इस तरह जीन नाल इस तरह सिस्टम से साढ़े लिए फायदा है। तो इस तरह से मैंने देखा कि बच्चे जो है धीरे 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 उनका एक लेवल जो था अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करने का वो धीरे धीरे और ज़्यादा होता गया। तो अपने मन की बात पूरी तरह से कहने लगे कि ये डिफ़िकल्टी आती है पढ़ाई में, ये दिक्कत है, उससे पहले करते थे लेकिन वो कंफर्ट जोन बढ़ता चला गया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई ऑब्जर्व। और धीरे धीरे मुझे अपने में भी जो चेंज महसूस हुआ कि ऑल्दो आई यूज्ड टू लिसन टू देम क्वाइट केयरफुली एंड विद पेशेंस, मुझे लगा देयर इज अनदर डायमेंशन विच इज डेवलपिंग यू नो विद इन मी, ठहराव जिसको हम बोलते हैं, दैट मैच्योरिटी वाज कमिंग सीपिंग इन स्लोली एंड स्टडीली। वैसे ही सर मैं प्रॉब्लम्स निकालती थी कि ये प्रॉब्लम है हम, तो इसी तरह जब मैं बच्चों को देखती थी छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो कभी ये नहीं कोशिश की कि इनको हटाया जाए काम से या जाकर उन्हें अवेयर किया जाए कि भाई आप क्यों करवा रहे हैं छोटे बच्चे से काम, इन्हें पढ़ाइए आप। तो सर जब मैंने देखा कि हमारे आसपास जो मैथ्स वर्कर्स के बच्चे हैं तो वो ऐसे ही सर घूम रहे थे, वैसे ही कोई उनको वैसे ही सर वहाँ पर पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो सर फिर हमने इनिशिएटिव लिया और उनको जाकर के पहले एक मैंने उनकी जो बड़ी एक लेडी थी उसको मैंने अपने घर बुलाया, मैंने कहा देखिए अगर इसी आपके पेड़ के नीचे, क्योंकि समस्या ये है कि आप अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं स्कूल और हमारे घर भी कहीं नहीं भेजेंगे, एक ही पेड़ है इसके नीचे हम इस बच्चे को हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो उस लेडी ने जाकर के स्प्रेड किया और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि कोई है जो हमारे को हमारे बच्चों को देख रहा है। वो बच्चे गंदे आए सब पढ़ने, उसके बाद जब उनको समझाया उनकी मदर्स इतनी खुश होती थी वो एक तरफ सब बैठ जाती थी, सर हमने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और मैं सर इसको हमारी कॉलेज की ह्यूमन वैल्यू सेल का ही काम बताऊंगी, क्योंकि सर धीरे धीरे बच्चे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स सर जुड़ गए इसके साथ में, वो अपना 1 घंटा 1/2 घंटा सर आकर के हॉस्टल से बच्चे लड़के लड़कियाँ आकर के सर वो इस काम को साथ दे रहे हैं और जो प्रोफेसर की वाइफ्स हैं सर वो भी खुश हो रही हैं कि हम भी आई मेरे पास में कुछ पैसों की मदद लेके कुछ किताब कॉपी लेके कुछ पेंसिल्स लेके कि हम इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यानी पहले हम सब सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देख रहे थे कि हाँ बस ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पर जब इनिशिएटिव लिया बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए, यानी समाज में रिफॉर्म्स हो सकते हैं पर कोई उसको थोड़ा सा उठाने के लिए किसी को आगे आना होगा। और ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट कैसा है जो हमारे में चेतना पैदा कर रहा है। दो बार मैं अटेंड कर चुका हाँ कैंप अटेंड करने के बाद मैं पता लग गया कि जोड़ी चीज़ मेरे को है ही नहीं वो मैं अगे दे ही नहीं सकता। बेसिकली फिर मैं उन्होंने खोजिया कि मैं खुद ही अगर खुश नहीं हैगा तो मैं दूजे खुश नहीं बन सकता, अगर मेरी समझ ही ठीक नहीं हैगी मैं दूजे को समझ भी नहीं दे सकता। सत श्रीकाल, जिम्मे गगन दस काफ़ी कॉलेज की गल होगी, मैं अपने पे शुरू कर दें गल कि जो पहलों ह्यूमन वैल्यू पढ़ाई तो हूँ 4 सेमेस्टर हो गए एस बी सिंह सर की गल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है
ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੌਲੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਜਿਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪੇ ਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਾ ਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ